रेवाड़ी के गुजरीवास गांव स्थित एक ट्यूबवेल से निकलने वाला पानी बना कौतूहल का विषय। ट्यूबवेल के मालिक ने पानी देने से किया इनकार। प्रशासन की ओर से लगाया गया सूचना बोर्ड। कथित चमत्कारी पानी देने वाले कुएं पर पुलिस का लगा है पहरा। मायूस होकर लौट रहे हैं दूर दूर से आने वाले लोग। जांच रिपोर्ट में आया सामने की पानी पीने योग्य नहीं। कथित चमत्कारी पानी लेने के लिए डीसी से लगाई गुहार। लोगों ने कहा कि वह बहुत दूर से आए हैं, डीसी साहब पानी दिलवा दो। वहीं इस बारे में जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का कहना है कि लोगों में भेड़ चाल चल रही है। जांच रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि यह पानी पीने योग्य नहीं है, फिर भी लोगों में होड़ सी लगी हुई है। रेवाड़ी से राजेश शर्मा की खास रिपोर्ट। जो भी ये क्या कहते हैं कि एलर्जी में शुगर में एलर्जी में और शुगर में बहुत बढ़ रहा है, इससे सही हो रहा है इससे। और जैसे कि हम आज ही आए पहली बार, हमारे को YouTube पे देख के आए थे, हम YouTube पे देखा हमने कि भाई शुगर में है कोई सही हो रहा है इससे। तो अब उस ट्यूबवेल में निकल रहा था उसमें तो बंद कर दिया, अब इसी में से ले जा रहे हैं, ये भी इसी में से भी सही निकल रहा है। बोल रहे थे कि लाइन एक ही है ये, इसलिए बोल रहे थे कि पानी पीने लायक नहीं है। वो पीने लायक क्या, वो तो बोल रहे कि डॉक्टर बोल रहे कि हमारे पास मरीज नहीं आ रहे, तो कुछ ना कुछ तो अफवाह उड़ाएंगे। बोल भी रहे थे कि ये इससे बीपी हाई हो रहा है और भी कई समस्या हो रही है। नहीं फिर गांव वालों इतने दिन से पी रहे हैं, अब तक तो उनके कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर अब बीपी हाई हुई क्या? नहीं हुई, वही तो गांव वालों को नहीं हुई अभी तक, तो फिर कुछ नहीं है। हाँ फिर तभी तो, इसलिए फिर वो सरकार को क्या, किस काम के लिए आए हो? पानी के लिए। मिल गया आपको पानी? पानी नहीं मिला। क्या कह रहे हैं? बंद कर रखा है। अच्छा, क्यों बंद कर दिया? क्या पता कैसे बंद कर दिया। अच्छा, नुकसान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो दूसरे ट्यूबवेल पे मिल रहा पानी, वहाँ भर लेते हैं, वहाँ से भर लेंगे और क्या। कैसे पता चला आपको? ऐसे सुनाई में आया, बस पेपर में दे दिया। ठीक है, क्या फायदा इस पानी पीने से? बीमारी सही हो जाता आदमी, शुगर है, टीवी है, कुछ भी है, बताते हैं। तो भी लोग बगा रहे के बाद क्या पता भाई। नाम मेरा मदन लाल साहब। कहाँ से आए हो? राजस्थान से। क्या काम किस लिए आए हो? पानी लेने के लिए सर। अच्छा, साहब शुगर और एलर्जी सही होती है। कैसे सुना था आपने, कोई मोबाइल के जरिए पता चला? मोबाइल के जरिए पता चला है साहब, वैसे लोग बाग की भीड़ काफ़ी चल रही है। कितने दिन में शुगर और एलर्जी ठीक हो जाए? सब दो चार दिन में फर्क पड़ जाता है। तो सब पता ही नहीं, तो अभी सब भीड़ देख के आ गए, हम तो आए थे कई दिनों के बाद आज। तो क्या कोई आराम हुआ पानी पीने के बाद? आज पहली बार ले जा रहे हैं सर। ठीक, आराम हो रहा है। हाँ भैया, मरवाड़ी में
लोगों में पता नहीं कैसे एक उड़ची चल जाती है, और जब इसको विभाग ने टेस्ट किया तो ये पीने के लायक नहीं था, इसमें बहुत से बैक्टीरिया हैं। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भी लगाया है कि भाई इसका मतलब ना पिए, क्योंकि इससे बीमारियाँ होने की आशंका है। तो लोगों को समझा दिया गया है, लोग एक बार जैसे भेड़ चाल होती है, लोग पीछे लग जाते हैं, चीज के लग ही जाते हैं। सर ये अंधविश्वास है, अब जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाएगा? ये देखो एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने उस पानी का सैंपल लेकर और टेस्ट किया है, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती है। पक्का प्रूफ दिया है कि भाई ये पानी पीने लायक नहीं है और इससे कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। ठीक।